वेलकमिंग कैट डिजाइन चैनल। आज के वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से हम सॉलिड वर्क में स्पर गियर बना सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट हैं तो आपको पता ही होगा कि स्पर गियर भी एक गियर का ही प्रकार होता है, जिसमें टीथ जो होते हैं वो एक्सिस के पैलर में कट किए जाते हैं। इसका इस्तेमाल दो शाफ्ट जो पैलर हैं एक दूसरे के ऊपर पावर ट्रांसमिशन के किया जाता है। आज की वीडियो में आपको जो भी बताएंगे स्पर गियर जो बताएंगे वो इतना स्टैंडर्ड तरीके से बना के बताएंगे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूले, मॉड्यूल, सर्कल पिच एंड इक्वेशन की मदद से। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया कि स्पर गियर को डिज़ाइन करने के लिए आज हम स्टैंडर्ड मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें पहले से ही डिपेंड करेंगे। इसके पहले पार्ट्स में जाते हैं, यूनिट को मिलीमीटर में कर देते हैं एंड प्लेन वाइट। उससे पहले हम इक्वेशन में तीन चीज़ों को डिफाइन करेंगे, मॉड्यूल, नंबर ऑफ टीथ एंड प्रेशर एंगल। तो इक्वेशन में जाने के लिए इस पार्ट वाले ऑप्शन में राइट क्लिक करना, वह आइडेंटिटी आइटम्स पे जाना, इक्वेशन एंड मैनेज इक्वेशन पे जाएंगे। इस तरह से स्क्रीन आएगी। तो सबसे पहले हम डिफाइन करके मॉड्यूल, टैब के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टैब एंड जो हमारा मॉड्यूल होगा 2 मिलीमीटर। यहाँ पर ऑप्शन आएगा राइट क्लिक का, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर सेकेंड चीज जो हम डिफाइन करेंगे वो होगा हमारा नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ। टैब ऑप्शन दबाएंगे और नंबर ऑफ टीथ जो होंगे वो आ रहे होंगे 25 एंड टैब। फिर जो थर्ड चीज होगी हम डिफाइन करेंगे वो होगा प्रेशर एंगल, टैब। और जो हमारा स्टैंडर्ड जो प्रेशर एंगल है वो है 20 डिग्री। अब यूनिट के लिए हम यहाँ पर देंगे डिग्री, देख सकते हैं इधर काफ़ी सारी यूनिट है तो डिग्री एंड ओके एंड देन ओके। हम तीन चीज़ें डिफाइन कर चुके हैं, अब हम इस पर गियर को डिज़ाइन करेंगे। तो डिज़ाइन करने के लिए हम फ्रंट प्लेन चूज़ कर दें, स्केच, एक सर्कल चूज़ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड एग्जिट। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मॉड्यूल जो होता है वो रेशो होता है पिच सर्कल डायमीटर अपॉन नंबर ऑफ टी। तो जो हम जो सर्कल डिफाइन कर रहे हैं वो एक पिच सर्कल है, तो पिच सर्कल के डायमीटर के लिए हम मॉड्यूल को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टीथ से इन द फॉर्म ऑफ सिंटेक्स के फॉर्म में। देखिए किस तरह से करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन में जाइए और इस सर्कल का डायमीटर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर इक्वल पे दबाइए, लोअर वेरिएबल्स आ रहे हैं जहाँ पर मॉड्यूल आ रहा होगा उस पर क्लिक करना। तो मॉड्यूल स्पेस दीजिए मल्टीप्लाई, फिर स्पेस दीजिए, फिर से लोअर वेरिएबल है एंड नंबर ऑफ टीथ एन ओके। देखिए ऑटोमेटिकली उस पर हमारा पिच सर्कल का डायमीटर डिफाइन हो गया। तो इस तरह से हम पिच सर्कल का डायमीटर यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर एक सर्कल और बनाएंगे, तो सर्कल पर क्लिक करना, सर्कल एग्जिट। सेम डायमीटर, इस वाले का डायमीटर देने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो देखिए हम किस तरह से देते हैं। स्मार्ट डायमेंशन में जाइए, क्लिक कीजिए डायमीटर एंड मॉडिफाई में देखिए किस तरह से सब फॉर्मूला होता है। इस बारे सर्कल का डायमीटर देखने के लिए इक्वल ब्रैकेट देंगे, फिर यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल पे नंबर ऑफ टीथ स्पेस प्लस स्पेस 2 स्पेस एंड ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर स्पेस देंगे मल्टीप्लाई, फिर स्पेस देंगे और दूसरा जो ग्लोबल वेरिएबल है वो है मॉड्यूल एंड ओके। देखिए किस तरह से हमने डायमीटर जो है इसका डिफाइन किया हुआ भी था हेल्प ऑफ फार्मूला। फार्मूले को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले इक्वल फिर ब्रैकेट का ओपन नंबर ऑफ टीथ फिर स्पेस देके 2 प्लस 2 एंड स्पेस देके ब्रैकेट को क्लोज करना मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूल एंड ओके कर देना। देखिए किस तरह से हमने जो सर्कल का जो डायमीटर है वो डिफाइन किया हुआ है, दो सर्कल जो हैं वो हमने पिच सर्कल फार्मूले से डिफाइन किया हुआ है। पिच सर्कल डायमीटर, इस पिच सर्कल को हम फॉर कंस्ट्रक्शन में क्लिक कर देते हैं एंड ओके कर देंगे। उसके बाद हम फीचर में जाएंगे, एक्सट्रूड बॉक्स इस पर क्लिक करेंगे, उसे एक्सट्रूड करेंगे अप टू 20 मिलीमीटर एंड मिड प्लेन, मिड प्लेन कंडीशन होनी चाहिए 20 मिलीमीटर, हम इसे एक्सट्रूड करेंगे ओके। अब हम देखते हैं कि इस पर टीथ कैसे बना सकते हैं। टीथ को कट करने के लिए हम फ्रंट प्लेन को चूज़ करेंगे, एच एंड नॉर्मल, और स्केच ड्रॉ करने के लिए पहले एक्सट्रूड को हाइड कर देते हैं और यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ करेंगे
सर्कल, ये वो सर्कल होगा, इसको डिनेंडम कहते हैं। एंड जो अनदर सर्कल है वो बेस सर्कल, जो बेस सबसे स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ सर्कल। एंड एक्सिट, एक सेंटर लाइन चूज करेंगे और इसके सेंटर से इस ऑरिजिन तक, दिस सर्कल तक। एक और बार सेंटर लाइन चूज करेंगे एंड दिस, इस तरह से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। स्मार्ट डायमेंशन में जाएंगे, इस सेंटर लाइन को और इस सेंटर लाइन के बीच का जो एंगल होगा वो होगा इक्वल 360 डिग्री स्पेस बार, एंड देयर इज अ ग्लोबल वेरिएबल नंबर ऑफ टी। ओके एंड ओके। उसके बाद जो हमने बीच वाली सेंटर लाइन बनाई थी उस पर क्लिक करना, कंट्रोल दबा के इस वाले पॉइंट पे एंड दिस पॉइंट, यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट आएगा सिमेट्रिक, इस पर क्लिक कर देना। देखिए इस तरह से वो लाइन सिमेट्रिक हो जाएगी इन दोनों सेंटर लाइन के बीच। अब इन दो सर्कल के बीच की डिस्टेंस को डिसाइड कर डिफाइंड करेंगे। इसके बाद हम स्मार्ट डायमेंशन को चूज करेंगे और इस सर्कल से इस सर्कल के बीच की डिस्टेंस को डिफाइन करेंगे, जिसे हम बोलते हैं डिडेंडम। तो इस सर्कल पर क्लिक करेंगे एंड दिस सर्कल, एंड मॉडिफाई में इक्वल ग्लोअर वेरिएबल हमारा मॉड्यूल होगा स्पेस मल्टीप्लाई टू, ये मॉड्यूल का डबल होगा। एंड ओके, एंड देख सकते हैं फोर मॉड्यूल हमने 2 mm डिफाइन किया था, ये 4 हो गया क्योंकि हमने डबल क्लियर किया। अब हम स्मार्ट डायमेंशन को चूज करेंगे, इस सर्कल पर क्लिक करेंगे एंड दिस सर्कल, इन दोनों के बीच का गैप देंगे। इसके लिए फॉर्मूला होता है इक्वल लोअर वेरिएबल मॉड्यूल स्पेस मल्टीप्लाई स्पेस। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन देंगे इफ नाम का, उसमें वेरिएबल देंगे लोअर वेरिएबल मॉड्यूल, उसके बाद गैप देंगे इक्वल ग्रेटर, फिर गैप देंगे एंड कुछ वैल्यू लिखेंगे 1.25 कॉमा 2.25 कॉमा 2.4 एंड ओके कर देंगे, एंड ओके कर देंगे, देख सकते हैं एंड ओके कर देंगे। अब हम यहाँ पर टीथ की प्रोफाइल बनाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 3.8 बनाएंगे, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3.8 ड्रॉ करेंगे इस तरह से। उसका सेंटर लाइन चूज करेंगे, एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से टू इस पॉइंट तक एग्जिट। उसके बाद वाली सेंटर लाइन पर क्लिक करेंगे एंड दिस आर्क पे उन्होंने टेंजेंट का रिलेशन दे दिया। ओके, उसके बाद मिरर एंटिटी चूज करेंगे, आर्क को क्लिक करेंगे एंड मिरर कर देंगे इस सेंटर लाइन के बाद। ओके, उसके बाद हम सेंटर लाइन चूज करेंगे से पहले याद रखना कि उसके बाद हम इस वाले स्केच को शो कर देंगे। उसके बाद हम सेंटर लाइन चूज करेंगे, वही सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे इस वाले पॉइंट से एकदम हॉरिजॉन्टल एंड एग्जिट। उसके बाद हम यहाँ पर एक रिलेशन देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्केच पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल दबा के इस वाले पिच सर्कल पे एंड दिस सेंटर पॉइंट, थोड़ी इस वाले पॉइंट, एंड यहाँ पर एक रिलेशन है इंटरसेक्शन एंड ओके। उसके बाद फिर से सेंटर लाइन चूज करेंगे और इस वाले पॉइंट से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे पिच सर्कल पे टेंजेंट, इसको थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं अंदर की साइड कुछ इस तरह से। उसके बाद इस वाले लाइन पे क्लिक करेंगे एंड कंट्रोल लगा के इस वाली लाइन एंड इक्वल का रिलेशन देंगे। ओके, उसके बाद एक रिलेशन और देंगे, इस वाली लाइन पर क्लिक करेंगे एंड दिस सेंटर लाइन एंड देयर इज अ रिलेशन परपेंडिकुलर एंड ओके। इससे क्या होगा कि हमारा जो आर्क है वो दोनों साइड इक्वली डिवाइड होगा, हमने सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद सेंटर लाइन चूज कीजिए, फिर एक सेंटर लाइन को भेजिए इस पॉइंट से टू दिस पॉइंट और एक रिलेशन दे दीजिए इस सेंटर लाइन का एंड दिस आर्क का
टेंजेंट, ओके। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे क्लिक कीजिए एंड दिस सेंटर लाइन एंड रिलेशन कोइंसिडेंट, ओके। अब हम प्रेशर एंगल डिजाइन डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए स्मार्ट डायमेंशन चूज कीजिए इस सेंटर लाइन के बीच में, दो सेंटर लाइन के बीच में प्रेशर एंगल डिफाइन करेंगे। तो प्रेशर एंगल डिफाइन करने के लिए इक्वल ग्लोअर वेरिएबल, जैसे हमने शुरुआत वीडियो की शुरुआत में प्रेशर एंगल डिफाइन किया था, प्रेशर एंगल, ओके एंड ओके। ओके देखिए इस तरह से हम प्रेशर एंगल डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रिम एंटिटीज को क्लिक कीजिए, पावर ट्रिम, और इस सर्कल को ट्रिम कीजिए, पावर ट्रिम एंड दिस सर्कल, दिस पार्ट, दिस पार्ट, ओके कीजिए। उसके बाद इस वाले सर्कल को क्लिक कीजिए एंड डिफाइन अपॉन फोर कंस्ट्रक्शन, ओके। उसके बाद इस सर्कल पर क्लिक कीजिए और इसे कन्वर्ट एंटिटीज को क्लिक कीजिए। अब हम फिर जाएंगे फ्यूचर में एंड एक्सट्रूड कट पर क्लिक करेंगे। उससे पहले हम अपने एक्सट्रूड को वापस ले आते हैं, उस पर जाइए एक्सट्रूड। उसके बाद हम एक्सट्रूड कट पर जाएंगे एंड इसके अंदर क्लिक करेंगे, देख सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे थ्रू ऑल पोर्स, देखिए इस तरह से दोनों साइड कट हो जाएगा एंड ओके कर दीजिए, देख सकते हैं। उसके बाद वाले स्केच को हाइड कर दीजिए, देखिए। अब हम यहाँ पर फ्लेट बनाएंगे एंड चैम्फर। फ्लेट को क्रिएट करने के लिए फ्लेट वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आप नहीं जानते कि फ्लेट कैसे बनाया जा सकता है, तो उसका वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि उस वीडियो पर जाके किस तरह से फ्लेट क्रिएट किया जा सकता है। उससे पहले इस वीडियो को देखते हैं। इस वाले एज पर क्लिक कीजिए, या तो नहीं इस वाले एज पर। अब देखिए इस वाले एज पर क्रिएट करने के बाद दूसरे एज पर क्लिक कीजिए, गलती से फेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद इस वाले फ्लेट का जो रेडियस होगा वो डिफाइन किया जाएगा इक्वल, उसके बाद पॉइंट थ्री एंड स्पेस मल्टीप्लाई स्पेस ग्लोबल वेरिएबल जो होगा मॉड्यूल, ओके, देख सकते हैं किस तरह से एंड ओके कर दीजिए, देख सकते किस तरह से फ्लेट तैयार किया है। अब हम चैम्फर बनाएंगे, तो चैम्फर इस पर ड्रॉप डाउन कीजिए एंड चैम्फर डिस्टेंस डिस्टेंस इस वाली एज पर क्लिक कीजिए, इस वाली एज पर क्लिक कीजिए और चैम्फर के जो इक्वल डिस्टेंस रखेंगे दोनों साइड, चैम्फर का जो डिस्टेंस होगी वो होगी इक्वल मॉड्यूल 2 mm का, देखिए एंड ओके कर दीजिए। अब हम सर्कुलर पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नहीं जानते सर्कुलर पैटर्न कैसे बनाया जाता है, उसका भी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद इस लीनियर पैटर्न में ड्रॉ कीजिए इन सर्कुलर पैटर्न। अब सर्कुलर पैटर्न चैम्फर पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है, डिलीट कर दीजिए क्लियर सेक्शन पे। पैरामीटर्स में सबसे पहले हम सर्कुलर इस वाले पार्ट को देंगे और फ्यूचर एंड फेजेस में पार्ट पर ड्रॉ डाउन कीजिए। यहाँ पर दो चीज़ दी जाएंगी, एक्सट्रूड कट फ्लेट एंड एक्सट्रूड कट एंड फ्लेट। एक्सट्रूड कट पर क्लिक कीजिए एंड फ्लेट पर क्लिक कीजिए, देख सकते हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी किस तरह से सर्कुलर पैटर्न में जा चुका है। उसके बाद ओके याद रहना है यहाँ पर 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल ग्लोबल वेरिएबल नंबर ऑफ टीथ 25 जो हमने डिसाइड किए थे, ओके, इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए एंड 360 डिग्री, ओके, देख सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड स्पर गियर जो है वो तैयार हो चुका है। देख सकते हैं किस तरह से हमने स्टैंडर्ड स्पर गियर जो है रेडी किया। मटेरियल को असाइन करने के लिए इस वाले पार्ट पर ओके क्लिक करना, इस वाले आइकन पर क्लिक करना, अपेरियंस पर क्लिक करना, मेटल एंड गोल्ड एंड पॉलिश गोल्ड, देखिए जिस तरह से हमने स्पर गियर बनाया स्टैंडर्ड स्पर गियर, वो इसे तीन चीजों पर डिफाइन करके नंबर ऑफ टीथ प्रेशर एंगल एंड मॉड्यूल और उन फॉर्मूलों की मदद से हमने इस स्पर गियर को बनाया, पहले पिच सर्कल वगैरह। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और वीडियो को और लोगों तक शेयर करना। अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो उसके लिए थैंक यू।